दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल में। तो आज हो गया 21 जुलाई 2019 दिन रविवार का। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो आपके लिए आ चुका है और आज की वीडियो में हम लोग जानते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि सारी खबरें काम की हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दें क्योंकि आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, आज की पहली खबर जो निकल कर आ रही है वो है अब डीटीएच के सेटअप बॉक्स की भी करानी होगी केवाईसी, ट्राई ने मांगे सुझाव। जी हाँ दोस्तों, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के निर्देशों के बाद टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने डीटीएच के सेटअप बॉक्स की नो योर कस्टमर केवाईसी कराने को लेकर कॉन्स्टेंशन पेपर तैयार कर लिए हैं। ट्राई ने इन पेपर्स को संबंधित पक्षों के सुझाव जानने के लिए पेश कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जो कि आप ये स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि भारत में 2001 में डीटीएच ब्रॉडकास्टिंग सेवाओं की शुरुआत हुई थी। इसी साल 15 मार्च को सरकार ने डायरेक्ट टू होम डीटीएच ब्रॉडकास्टिंग सेवाएं शुरू करने के लिए लाइसेंस से संबंधित गाइडलाइन जारी की थी। इन गाइडलाइंस में देश में डीटीएच सेवाओं को स्थापित करने और संचालित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया, मूल नियम और शर्तें शामिल भी की थी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है कि अपने वाहन में 30 नवंबर तक नहीं लगवाए फास्टैग तो देना होगा दोगुना टोल टैक्स। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने इस साल 1 दिसंबर से राष्ट्रीय राजमार्गों पर के सभी टोल प्लाजा पर सिर्फ फास्टैग से टोल भुगतान स्वीकार करने का निर्णय लिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर इस साल 1 दिसंबर से सभी लेन को फास्टैग लेन बनाया जाएगा। बिना कॉन्स्टैग वाले वाहनों से दोगुना टोल वसूला जाएगा और मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को पत्र लिखकर इस आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। जैसा कि आप पूरी न्यूज इस स्क्रीन पर देख सकते हैं कि टोल प्लाजा पर सभी लेन में मिलेगा फास्टैग की सुविधा और नई गाड़ियों में कंपनियां खुद लगा रही हैं फास्टैग। जी हां दोस्तों, आप पूरी न्यूज जानने के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि अब आप घर बैठे कर सकेंगे ट्रैफिक चालान का भुगतान, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम शुरू। जी हाँ दोस्तों, अब आप घर बैठे ट्रैफिक चालान जमा करा सकेंगे। राजधानी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर अमूल पटनायक ने शुक्रवार को ई चालान और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया है। इस सिस्टम के जरिए वाहन चालकों का चालान रजिस्ट्रेशन वाहन के नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन नंबर पर SMS के जरिए भी पहुंचेगा और रजिस्ट्रेशन वाहन के पते पर भी पहुंचेगा। इसके लिए भी किसी भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का कोई प्रयोग करने के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाता धारक नेट बैंकिंग से भी चालान का भुगतान कर सकेंगे। बता दें कि इस सिस्टम को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस ने विकसित किया है। तो दोस्तों इसके और भी न्यूज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि UPSC, SSC या RRB का हो सकता है विलय, बड़ी एजेंसी बनाने का विचार कर रही है सरकार। जी हाँ दोस्तों, आने वाले कुछ सालों में सरकार नौकरी लेने का पूरा सिस्टम बदल सकता है। सरकार इस तैयारी में है कि एक ही एजेंसी हर ग्रेड की परीक्षा ले और वह पूरे साल होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर भी जारी करेगी। दरअसल परीक्षा के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का ऐप भी तैयार होगा। सभी स्टूडेंट अपने मोबाइल से भी इससे जुड़ सकते हैं। उन्हें सरकारी परीक्षा से जुड़ी हर सूचना का अपडेट आता रहेगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार UPSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे बोर्ड या ऐसी तमाम दूसरी एजेंसी को विलय कर एक बड़ा समूह बनाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे न सिर्फ करोड़ों स्टूडेंट को दिक्कतों से मुक्ति मिलेगी, सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा आयोजित करने में अधिक पारदर्शिता आएगी। तो दोस्तों पूरी न्यूज जानने के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि स्टूडेंट सभी परीक्षा के लिए भी एक साथ भर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप पूरी न्यूज इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि IEA ने की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की तारीफ, बताया बड़ी उपलब्धि। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना की शुक्रवार को सराहना की है। उसने कहा है कि इस पर्यावरण को स्वच्छ बनाने तथा महिलाओं का स्वास्थ्य बेहतर करने की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धि है। IEA के कार्यकारी निदेशक फाती बिरोल ने ये एक सम्मेलन में कहा कि वर्ष 2020 तक देश भर में LPG उपलब्ध कराना बड़ी उपलब्धि है। ये ऊर्जा का मुद्दा नहीं बल्कि ये एक आर्थिक मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा है। जी हाँ दोस्तों, PM UP के
बलिया में 1 मई 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। वहीं प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बलिया में 1 मई 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी और इसका लक्ष्य गरीब परिवारों को निःशुल्क LPG कनेक्शन मुहैया कराकर महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर बनाना है। अभी तक इस योजना के तहत करीब 7.40 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं और योजना के तहत 2020 तक 8 करोड़ कनेक्शन देने का लक्ष्य है। तो दोस्तों, पूरी न्यूज जानने के लिए आप स्क्रीन पर देख लें और बढ़ते हैं अब अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर की जेवराती मांग कमजोर होने से सस्ते हुए सोना चांदी। जी हां दोस्तों, वैश्विक स्तर पर सप्ताहांत पर पीली धातु के कमजोर रहने और स्थानीय जेवराती मांग में गिरावट से दिल्ली सराफा बाजार में सोना शनिवार को 80 रुपये टूटकर 35,870 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी भी 335 रुपये लुढ़क कर 41,700 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव बिकी है। जी हां दोस्तों, लंदन एवं न्यूयॉर्क से प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार को वहां सोने में 1% से ज्यादा की गिरावट रही। हालांकि कुछ देर के लिए पीली धातु $1,450 प्रति औंस का आंकड़ा पार करने में भी सफल रही, जो 6 साल का इसका उच्चतम स्तर है, लेकिन बाद में मुनाफा वसूली और मजबूत डॉलर के दबाव में सोना 1% टूट गया। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि कुटीर उद्योग शुरू करने के लिए 3 तरीकों से मदद करती है सरकार, आप भी ले सकते हैं इसका लाभ। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपना कारोबार करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप सरकार की मदद भी ले सकते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय 3 तरीकों से किसी भी व्यक्ति को कारोबार करने में मदद करता है। इसमें कई प्रकार की स्कीमें शामिल हैं। कई स्कीमों में सरकार आर्थिक मदद के साथ सब्सिडी भी देती है, इससे कारोबार करने में आसानी होती है। जी हाँ दोस्तों, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की ओर से परंपरागत उद्योगों को पुनर्सृजन के लिए 2006 में निधि स्कीम स्फूर्ति की शुरुआत की गई थी। इस स्कीम के तहत किसी भी कारोबारी को उत्पादन उपकरणों को बदलने, सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना करने, उत्पादन में विकास करने, गुणवत्ता में सुधार लाने और कारोबार के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है। यदि आप भी अपने कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं तो इस स्कीम के तहत मंत्रालय से सहायता प्राप्त कर सकते हैं और पूरी जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर पूरी न्यूज़ देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि आधार पैन कार्ड से पेंशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे व्यापारी, बजट में खुलासा। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन योजना का ऐलान किया है। इसके तहत देश में 3 करोड़ छोटे दुकानदारों को पेंशन दी जाएगी। हालांकि पेंशन योजना का लाभ उन दुकानदारों को ही मिलेगा जिनकी कमाई का सालाना टर्नओवर 1.5 लाख रुपए है। जी हाँ दोस्तों, इस पेंशन योजना के तहत खुदरा कारोबारी और दुकानदारों तथा स्वरोजगार करने वाले लोगों को 60 साल की उम्र होने के बाद न्यूनतम 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिल सकती है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में चुनाव घोषणा पत्र के इस वादे को पूरा करने का फैसला लिया गया है। जी हां दोस्तों, आप पूरी न्यूज़ जानने के लिए इसे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अब अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर की भारत नेपाल के बीच बनेगी 18.5 किलोमीटर की लंबी रेलवे लाइन, परियोजना को मिलेगा अंतिम रूप। जी हां दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच प्रस्तावित 18.5 किलोमीटर सीमा पार रेल लाइन के लिए भारत ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट नेपाल को सौंप दी है। ये रेल लाइन भारत के रुपौदिया और नेपाल के कोहालपुर को जोड़ेगी। भारत के रुपौदिया व नेपाल के बांके के कोहालपुर के बीच प्रस्तावित सीमा पार रेल लाइन पर भारत से विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्राप्त किए जाने के बाद नेपाल सरकार परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए तैयार है। जी हां दोस्तों, तो आप पूरी न्यूज़ जानने के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हां, DPR के अनुसार रेलवे लाइन ईस्ट वेस्ट हाईवे से 2 से 3 किलोमीटर दूर बनाई जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का समाचार जरूर जानने को मिला होगा। तो इसी की कड़ी में आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी जरूर दबा दें जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज़ मिस ना हो।